everyone, how are you? Today I'm going to talk about a topic, how your childhood affects your life. यानी कि आपका बचपन किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बनाता है और किस तरीके से आप उसको प्रभावित करता है. तो मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ और आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी. और मैं बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ज़्यादातर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ, ताकि जो थोड़ा बहुत लोगों का व्यवहार है वो हमें समझ में आए और हमें थोड़ा आसानी हो जाए. और इस मैं वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसमें आपको बहुत तरह की वीडियो मिलेंगी, एक ही तरह की नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की वीडियो हैं और डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं, और उनको शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ. तो सब लोग ध्यान से सुने इस वीडियो को और शुरू करते हैं इसको. सो किस तरीके से आपका बचपन आपके ज़िंदगी को प्रभावित करता है और एक तरीके से बनाता है. हमारी बचपन की घटनाएं हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करती हैं. अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है, जिसमें कि हमारे बचपन की घटनाएँ एक हार्ड कॉपी की तरह फीड हो जाती हैं और उसी से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को चलाते हैं. हाँ, ये सही है कि जीन्स का भी योगदान होता है और उसका भी कुछ असर होता है, परंतु वो भी तभी उभर पाती हैं जब उनको सही मौका और सही घटनाओं का सहयोग मिलता है. तो कुछ लोग किस तरीके से हमारे जो ये घटनाएं हैं, बचपन की घटनाएं हमें प्रभावित कर सकती हैं, तो पहला एग्ज़ाम्पल है पीपल प्लीज़र. पीपल प्लीज़र लोग जो हैं वो होते हैं जिनके माता पिता उनकी कोई सहयोग नहीं करते, उन्हें कोई सहायता नहीं करते, और उनके ऊपर बचपन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. घर पे सारा उनके ऊपर काम डाल दिया जाता है और वो ये सोचते हैं कि शायद हमारा ही सारा काम है और हम ही कोई सब कुछ करना है, क्योंकि कहीं से ना कोई सहयोग मिल रहा होता है. उन पर सिर्फ तब ध्यान दिया जाता है जब वो कुछ काम करते हैं, और उनको शोषित भी किया जाता है, और उनको बिना बात के किसी गलती के उनको लोगों से, उनको कई बार बहुत माफ़ी मांगनी पड़ती है लोगों से. तो ये बचपन में अपने को उस माहौल में ढालने के लिए सब तरह का काम करते हैं और बिना बात के सॉरी भी बोलते हैं सबको, और कोशिश करते हैं कि सब आसपास कर वो सारा वो काम करें जिससे कि आसपास उनको किसी तरह का, उनके ऊपर उनके माँ बाप उन पर गुस्सा ना करें और चिल्लाए ना. और ये बड़े होकर पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही जीने का तरीका है और हम जहाँ भी जाएंगे हमें काम करना पड़ेगा और हर चीज़ की माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये एक बचपन की घटनाओं से बड़े होकर लोग पीपल प्लीज़र बन जाते हैं. और ये बहुत ध्यान देना है कि हम कहीं हमारे बचपन की घटनाओं से हमारे अंदर कोई फिक्स धारणा ना बैठ जाए. दूसरा जो है वो हमारे हो जाते हैं कोडिपेंडेंट. कोडिपेंडेंट वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप, जो अपने माँ बाप या बड़ों का ध्यान रखते हैं. दूसरा जो हमारा है वो है कोडिपेंडेंट. कोडिपेंडेंट वो लोग होते हैं जिनके माता पिता बड़े होने का कोई फ़र्ज नहीं निभाते, उल्टा बच्चों को उनका केयर टेकर बनना पड़ता है और बच्चे उनका ध्यान रखते हैं, और वो कोडिपेंडेंट बन जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा और हमको सर्वाइव करने के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए हमको ही ध्यान रखना है. तो वो लोग अपनी कोई उनकी पर्सनैलिटी नहीं रह जाती और वो एक केयर टेकर बन के रह जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कोडिपेंडेंट. वो जिसके साथ भी रहेंगे उसी के हिसाब से ढल जाते हैं, एक तरीके से पानी की तरह हो जाते हैं, जिस भी बर्तन में रखूँ उसी तरह का उनका ढांचा बन जाता है. तो ये भी कोडिपेंडेंट होते हैं और बचपन की घटनाओं की वजह से ही बनते हैं. तीसरा होता है आपका नार्कसिस्ट या अब्यूज़र, या हम उसे कंट्रोलर भी कह सकते हैं. ये वो लोग होते हैं जिनके माता पिता सिर्फ दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी तरफ कभी भी कोई ध्यान नहीं देते. वो माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाते भी हैं. वो उनके माता पिता उनके सामने सही रोल मॉडल नहीं बनते, और वो खुद भी लोगों का शोषण करते हैं और बच्चे को भी इसमें इस्तेमाल करते हैं. और जब बच्चा उनके मन का काम करता है और लोगों का शोषण करने में उनकी मदद करता है, तो वो उस बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं. तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में लोगों का शोषण करने ही आए हैं, और वो लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं. वो बचपन में ही उनके अंदर धारणा बढ़ जाती है कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके माता पिता उनको बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ करते हैं
और एक तरीके से वो एक्चुअली उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोगों का शोषण करने में, तो वो एक शोषण वाली भावना उनके अंदर पक्की हो जाती है और अंदर से एक डर और एक अजीब सा उनके अंदर निराशा भी घर कर जाती है और ये लोग बड़े होके बुली हो जाते हैं और नार्किसिस्ट हो जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरे अंदर प्यार होगा तो मैं प्यार ही बांटूंगी और मेरे अंदर नफ़रत होगा तो मैं नफ़रत ही बांटूंगी। तो नार्किसिस्ट और बुलीज के अंदर कितनी नफ़रत होती है आप समझ सकते हैं, ये नफ़रत ही इनके अंदर होती है और ये लोगों को नफ़रत ही बांटते हैं और लोगों से फिर ये नफ़रत ही पाते हैं। तो ये पीपल प्लीजर, कोडिपेंडेंट, बुली, नार्किसिस्ट कोई भी नॉर्मल नहीं है, इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है। ये सब भी कुछ ना कुछ बचपन की घटना की वजह से ये लोग ऐसे हो गए, उनको ये नाम भी दे दिए गए। एक नॉर्मल आदमी असर्टिव होगा और उसको पता होंगे अपने नियम और दूसरे के भी नियम पता होंगे, उसको पता है मैंने मेरा क्या बाउंड्री है, दूसरे की क्या बाउंड्री है, वो लोगों को आप नॉर्मल लोग कह सकते हैं। तो जो बेस्ट पर्सनैलिटी टाइप है और जो व्यक्तित्व है वो होगा असर्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि उनके बचपन में उनको सही तरीके से पालन पोषण किया गया है, उनको ये बताया गया है कि उनका उनका क्या उनको किस तरीके से रहना है, दूसरों से क्या उम्मीदें करनी है, उनको उनके माता पिता ने उनके सामने एक बिल्कुल सही फैमिली का और एक अपना रोल मॉडल रखा है। तो ये पर्सनैलिटी आगे जाके असर्टिव पर्सनैलिटी बनती है, ना ये लोग अपना शोषण का होने देती हैं ना लोगों का शोषण करती हैं। तो असर्टिव पर्सनैलिटी बेस्ट पर्सनैलिटी है। पीपल प्लीजर, कोडिपेंडेंट, बुली और नार्किसिस्ट को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने को खुद मनन करें और अपने अंदर झांकें और थोड़ा लोगों की हेल्प भी लेना चाहें, अगर साइकोलॉजिस्ट की तो साइकोथेरेपी के द्वारा और टॉक थेरेपी के द्वारा वो ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ उसमें उनकी गलती नहीं है, बचपन की कुछ घटनाओं की वजह से वैसे हो गए, तो धीरे धीरे करके, बट एक अपने को अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम कहाँ, ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अवेयरनेस लोगों के अंदर आए कि वो कहाँ पे उनके अंदर उनको चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, अगर पता ही नहीं है तो फिर कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। तो अवेयरनेस है पहली चीज़। आप लोग उस प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखे ज़रूर लिखें कि आप इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हैं, बचपन की कौन सी घटना के वजह से आप कौन सी पर्सनैलिटी हो चुके हैं, पीपल प्लीजर हैं, कोडिपेंडेंट हैं, बुली हैं, नार्सिसिस्ट हैं, असर्टिव हैं। तो कोशिश हमने करनी है कि हमने असर्टिव पर्सनैलिटी की तरफ आना है और वो बनना है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और सब पर्सनैलिटी, सब इंसान हैं, किसी ना किसी घटना की वजह से कुछ पर्सनालिटी टाइप में चेंज आ जाता है, और धीरे धीरे अवेयरनेस में आने से और कुछ नॉलेज गेन करने से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ओके, प्लीज़ शेयर करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिए, लोगों के साथ बांटिए, लोगों को भी अवेयरनेस आए और ये दुनिया एक बहुत अच्छी दुनिया हो जाए और सब लोग बहुत खुश और सब अच्छे हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ और बाय।